हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है। बिहार में विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत सुरक्षा प्रहरी की नई भर्ती 2024 के रिगार्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो ये बिहार की वैकेंसी है विधान परिषद सचिवालय के लिए, लेकिन इसके लिए अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी। साथ ही साथ चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, फीमेल हो, सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस पोस्ट के बारे में फुल डिटेल्स के ऊपर, लेकिन अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना, एग्जाम सिलेबस वगैरह जानना चाहते हो, सारी चीज़ें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए वहाँ पर भी जा करके फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड्स, देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि बिहार विधान परिषद सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी यानी सिक्योरिटी गार्ड की न्यू वैकेंसी आई है। देखिए, ये कोई नई भर्ती नहीं है, ये जो पिछले साल वैकेंसी आई थी ना, अप्रैल मई में ये अप्लाई हुआ था, एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2023, मतलब जो विज्ञापन संख्या 3/2023 था ना, उसी के लिए रीओपनिंग का नोटिस आया है। तो चूंकि आपको पता है कि एग्जाम वगैरह नहीं कराए गए हैं, तो अब जल्द ही एग्जाम का प्रोसेस होगा। साथ ही साथ जो बच्चे लास्ट ईयर फॉर्म नहीं भर पाए थे, वो सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने फॉर्म भरा था उसमें कुछ डाउट वगैरह लगा था, तो वो चेक करके अपना सुधार कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करें कि टोटल सीट क्या रहेगा, तो पहले देखते हैं कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जनरल के लिए 24 है, तो जो अदर स्टेट के बच्चे होंगे, जैसे कि आपका क्या हो गया, दूसरे स्टेट राजस्थान, पंजाब, झारखंड, यूपी, कहीं के भी कैंडिडेट, अपने स्टेट के लिए आप कोई भी कैटेगरी में आते हो, रिजर्व्ड कैंडिडेट हो, बिहार के लिए जो जनरल का 24 सीट है उसी में आपको भी इंक्लूड किया जाएगा। EBC के लिए 10 सीट रहेगा, EWS के लिए 5 यानी 5 सीट रहेगा, BC के लिए 7, ये BC मेल के लिए, जो बैकवर्ड कास्ट फीमेल होंगी उनके लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रहने वाला है, SC के लिए 8 है और ST के लिए कोई सीट नहीं रहेगा। ओवरऑल सीट्स की अगर बात करें तो 56 यानी 56 पद रहेगा, कहाँ, बिहार विधान परिषद सचिवालय के अंदर फॉर सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट। तो इसके लिए ऑलरेडी अगर आपने अप्लाई किया है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया था तो अभी आपको देखिए 16 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक ये रीओपन हो चुका है। रीओपनिंग का जो नोटिस है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको देखिए, जैसे कि ये 25 तारीख तक अप्लाई होगा, तो 25 तक वेट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अदर जो भी फॉर्म आता है उसमें तो सर्वर इशू होता है, लेकिन जो बिहार का फॉर्म होता है उसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है, वेबसाइट ओपन ही नहीं होता है। तो जल्द से जल्द फॉर्म को आप अप्लाई कर लेना। अप्लाई करते वक्त फी क्या लिया जाएगा, देखिए जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस 675 रुपीज़ यानी 675 रुपया। वहीं पर जो एससी एसटी कैंडिडेट है या फिर कोई महिला कैंडिडेट है ना, उनसे 180 यानी 180 रुपया लिया जाता है। तो ये तो फॉर्म फी की बात हो गई, अब हम चर्चा करते हैं एज लिमिट के ऊपर। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस डेट के अकॉर्डिंग कट ऑफ डेट क्या है आपके एज कैलकुलेशन की। देखिए, एज ऑन 1 जनवरी 2023 इसके अकॉर्डिंग ना 18 से 25 वर्ष आपका एज लिमिट रहेगा। तो ये जनरल जो मेल और फीमेल कैंडिडेट है ना उनके लिए रहेगा। आपको पता है कैटेगरी वाइज कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो जो बीसी और ईबीसी के मेल कैंडिडेट है ना उनको 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, उनके लिए क्या है 18 वर्ष से 27 वर्ष। वहीं पर जो बीसी ईबीसी के फीमेल कैंडिडेट है ना उनको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, तो 18 वर्ष से 28 वर्ष। और जो एससी एसटी कैंडिडेट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको 5 यानी 5 इयर्स का मिलता है, 18 वर्ष से 30 वर्ष तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्टली हम चर्चा करते हैं व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स, देखिए क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं किया गया, सिंपली आपने अगर 12th पास कर रखा है, मतलब कि इंटर आपने पास कर लिया किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, डजंट मैटर व्हाट इज़ योर परसेंटेज इन 12th क्लास, आप बस पास आउट हो ना तो अप्लाई कर सकते हो। चलिए फिलहाल आगे समझते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। सो व्हाट इज़ योर सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा,
किस किस स्टेज से पास करने के बाद। देखिए ज्यादा कुछ बड़ा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, सिंपली 3 स्टेज है। पहले स्टेज पे रिटन एग्जाम यानी आपकी लिखित परीक्षा होती है, OMR बेस्ड एग्जाम होता है। सेकेंड स्टेज पे फिजिकल होता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड का है तो आपका फिजिकल क्राइटेरिया होना चाहिए, फिजिकली फिट रहोगे तभी तो आप सुरक्षा कर्मी बन पाओगे ना। लास्टली आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है कि जो आपने अपने बारे में जानकारी प्रोवाइड किए वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है या फिर ऐवे ही आपने बस टाइप कर दिया था, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, तो इसके बारे में अब हम इन डिटेल समझ लेते हैं। देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड से होता है, तो आपका जो बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यानी जिला है ना उसमें एग्ज़ाम सेंटर होता है, तो आप ऑल इंडिया में कहीं से भी फॉर्म भरोगे बिहार में आ कर के आपको एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम OMR बेस्ड होगा यानी पेन एंड पेपर मोड से होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो पेपर आपका क्या होगा, 2 घंटे यानी 2 आवर्स के होंगे एंड 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क मिल रहा है। और आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 0.25 का, 1/4 है मतलब 0.25। हाँ अब परीक्षा की अगर भाषा की बात करें कि व्हाट विल बी द पेपर लैंग्वेज, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही रहेगा, मतलब ट्रांसलेटेड पेपर रहेगा। आप कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश में दो और जिसको हिंदी आ रहा है वो हिंदी में आंसर करेगा, ठीक है। अब बात करें कौन कौन से सब्जेक्ट से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, 2 सब्जेक्ट ही रहेगा। पहला मैथमेटिक्स यानी गणित से आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकेंड आपका GK GS करेंट अफेयर्स मतलब जनरल नॉलेज से 50 प्रश्न 50 नंबर के लिए। तो बस यही दोनों सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और हाँ ये पेपर देने से पहले आपको क्या है ना कि इसका सारा सिलेबस देख लेना है टेलीग्राम से डाउनलोड करके, आपका कौन कौन सा चैप्टर वीक है उस पर थोड़ा वर्क करना है। पिछले साल का जो सेट है ना वो सब जरूर बनाइएगा, उससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और मॉडल पेपर भी बनाते रहना, और आई होप कि इसका एग्जाम 1 से 2 महीने के अंदर करा लिया जाएगा, तो तैयारी अपनी तंदुरुस्त रखिए। देखिए ये आपका एग्जाम है, एग्जाम में क्वालिफाई करोगे आप तो उसके बाद बोला था मैंने आपको कि फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या सब है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मेल और फीमेल दोनों के लिए बता दूंगी। सबसे पहले तो आपका हाइट मेजर होता है, तो मेल कैंडिडेट के लिए 167.5 मतलब 167 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए 154.5 सेंटीमीटर रहेगा। रिलैक्सेशन भी आपको हाइट में दिया जाता है, जो स्टूडेंट चाहे वो मेल हो या फीमेल तराई क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ना उनको 2.4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स होता है 76.5 सेंटीमीटर टू 81 सेंटीमीटर, मतलब 76.5 से लेके 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए चेस्ट का मेजरमेंट। लास्टली रनिंग होता है, रनिंग कितना 1.6 किलोमीटर्स की होती है मतलब 1600 मीटर, ये मेल कैंडिडेट का मैंने आपको बताया है। टाइम आपको 6 मिनट दिया जाता है और फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दौड़ होती है, उनको भी 6 मिनट में कंप्लीट करना होता है। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए इससे संबंधित एक और जानकारी थी जो कि बोर्ड में बताना पॉसिबल नहीं था। देखिए रनिंग का क्या है ना कि टाइम के तहत आपको नंबर दिया जाता है, आपको 6 मिनट में कंप्लीट करना है, लेकिन अगर आप उससे पहले करोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे ही थोड़ा कम टाइम का ना एक्स्ट्रा मार्क्स है, तो वो चीज़ आप क्या करेंगे ना मेरे टेलीग्राम से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको जो सारी बेसिक जानकारी थी वो दे दी है। तो फिजिकल में आप क्वालिफाई होंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद एज अ सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा प्रहरी आपको बिहार के विधान परिषद सचिवालय में जॉब करने का मौका दिया जाएगा। तो जॉब के दौरान आपको कुछ सैलरी भी मिलती है, तो आइए मैं आपको बता दूं। देखिए नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया कि शुरुआत में 21,700 मिलता है, बाद में सैलरी बढ़ के 69,100 मतलब 70,000 के तकरीबन हो जाती है। तो जब नोटिफिकेशन में इतना है तो ऑब्वियस ही बात है सैलरी ज्यादा ही मिलेगा, तो तैयारी की स्पीड को आप बूस्ट कर लो। एंड आई होप कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हो। अब भी कुछ डाउट एंड कंसर्न है तो अपने कमेंट में अपने क्वेरी को सॉल्व कर ले।
और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। साथ ही साथ मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।